आज हम बनाएंगे मजेदार आलू, वो भी जो हेल्दी होते हैं। फायदे हम आपको बताते हैं। वजन को ये कम करती है, ये हमारी याददाश्त को स्ट्रॉन्ग करती है और ये हड्डियों को भी मजबूत रखती है। सबसे बड़ी बात, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, तामे बिल इसमें आप सबको खुश आमदी। सबसे पहले डालें प्याज, दो कटी प्याज डालें बड़ी, और इसे हल्के ब्राउन होने तक भून लें। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट एक खाने के चम्मच डाल दें। अब इसमें एक किलो गोभी, जो गोभी के आखिर का हिस्सा वो हमें पहले डालना होता है इसलिए कि वो से गल जाए। अब इसमें दो खाने चम्मच कुटी मिर्च डाल दें, आधा चाय का चम्मच हल्दी डाल दें, एक चाय का चम्मच नमक डाल दें, एक चाय का चम्मच गरम मसाला डाल दें। गोभी मीठी होती है इसलिए हमने चार बड़े टमाटर डाले। अब इसको टमाटर को डाल के अच्छी तरह से भून लें। भून लिया है तो अब हमने इसमें आलू तकरीबन एक किलो आलू मिक्स कर लिए। हाँ, अब इसमें हम एक गिलास पानी डाल के आलू को गलाने के लिए रख दें और ढक दें। ये देखिए, आप हल्की आँच पे के आलू गल चुके हैं। आँखें शुरू में डालते हैं, टूट जाते हैं हम, इससे हमें आँखें में हमें फूल डालना चाहिए। फूल गोभी गल गया तो बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दें, 5 मिनट पका लें बस, और तब होने की रोगन ऊपर आ जाए। हरी मिर्चें, हाँ बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डाल दें, सारा पेश करें। और हरी मिर्चें तो बारीक कटी हुई अदरक और हरा धनिया डाल के सारा पेश करें। वाह क्या मज़ेदार सारे ने, अरे मुँह में पानी आ गया भाई। अगर आपको मैं मज़ेदार खाने बनाने सीखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह आप सबसे राज़ी हो। ओके, अल्लाह हाफिज़।